हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ही राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ मदर्स डे स्पेशल केक रेसिपी शेयर करने वाले हैं और ये केक पूरी तरह से एगलेस रेड वेलवेट केक होगा और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी होगा। और हमने इसके ऊपर प्यारी सी डिज़ाइन बनाई है जिससे ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये केक एकदम से ईजी है, आप इसे मदर्स डे पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है। आप पैन की जगह केक टिन का या फिर किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप ऑयल से ग्रीस नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पर दोनों में से एक चीज़ ज़रूर करें, इसे स्किप नहीं करना है। ऑयल से हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लेंगे। अगर आप पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो ये करना ज़रूरी नहीं है। और एक्स्ट्रा मैदे को हम झाड़ देंगे। हमने पैन को अच्छे से तैयार कर लिया है, एक्स्ट्रा मैदे को भी हमने निकाल दिया है। अब हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर हम आधा कप दूध ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक चम्मच इसके अंदर हमने सिरका ऐड किया है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये 5 मिनट में अच्छे से बटर मिल्क बनके तैयार हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हद से ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, इससे आपका केक का टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। अब इसके अंदर हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। तेल बिना फ्लेवर का होना चाहिए जिससे आपका केक अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस बाउल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसके अंदर हम 1 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। मेजरिंग का पूरा ध्यान रखें। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हमने यहाँ बेकिंग सोडे का यूज़ किया है। अब इन सभी को हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, इससे हमारा केक सॉफ्ट एंड स्पंजी बनता है। आप इसे कम से कम 3 बार छान सकते हैं, पर बिना छाने से यूज़ में नहीं लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम आपके साथ डिफरेंट तरीके की रेसिपी शेयर कर पाएँ। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आपके केक का कलर एकदम से प्रॉपर रेड नहीं आएगा। अब इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। हमने इन सभी को अच्छे से छान कर तैयार कर लिया है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा स्पीड में हमें मिक्स नहीं करना है, बस एकदम से ईजी तरीके से इसे मिक्स कर लें। अगर आप हमारे चैनल की और भी बाकी रेसिपी या फिर राजस्थानी रेसिपी या फिर एगलेस केक रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखो, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम से हल्का सा चॉकलेटी हो चुका है। अब इसके अंदर हम रेड कलर का लिक्विड फूड कलर ऐड करेंगे। ये कलर हमने कलर मिस्ट का यूज़ में लिया है। आप इसकी जगह जेल कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कलर नहीं है कि आप थोड़ा सा डालने के बाद में प्रॉपर एकदम से रेड कलर बन के आ जाए। इसके लिए आपको अच्छे से रेड कलर डालना ही पड़ेगा, तभी आपका एकदम से प्रॉपर रेड कलर बन के आएगा। अगर आप जेल कलर का यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम डाला जाता है, पर वो हल्का थिक होता है इसलिए उसको थोड़ा कम डाला जाता है। ये हल्का लिक्विड होता है इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम मात्रा में डालने के बाद में अच्छे से प्रॉपर रेड कलर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छे से रेड कलर डालना ही पड़ेगा, तभी आपका एकदम से अच्छे से रिजल्ट मिल पाएगा। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और एकदम से प्रॉपर रेड बन चुका है। अब इसके अंदर हम एसेंस ऐड करेंगे। एसेंस आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच जितना दूध ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा दूध इसके अंदर ऐड नहीं करना है, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमने बैटर को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है, इस तरह का ही होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। अगर हल्का सा थिक है तो चलेगा। अब इस बैटर को हम पैन के अंदर डाल देंगे। देखो कितने अच्छे से रिबन की तरह गिर रहा है। इससे ज़्यादा अगर लिक्विड होगा तो आपका केक अच्छे से नहीं बनेगा।
बैटर को अच्छे से डालने के बाद में हम पैन को 3 से 4 बार अच्छे से टैप करेंगे, जिससे इसके अंदर की जो एयर है वो निकल जाएगी और हमारा केक अच्छे से इक्वल बेक हो पाएगा। हमने तवे को अच्छे से पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, इसे अच्छे से प्रीहीट करना है। अगर आप कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर उसे अच्छे से प्रीहीट करें। अब हम पैन को तवे के ऊपर रख देंगे और ऊपर से हम इसे ढक देंगे और इसे कम से कम लो आंच पे 30 से 40 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे। पर 30 मिनट से पहले इस पैन को नहीं ओपन करना है। 35 मिनट बाद में हम इसे चेक करेंगे। देखो, हम टूथपिक की हेल्प से इसे चेक कर लेते हैं। हमारी टूथपिक एकदम से क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब केस को बंद कर देंगे। अगर आपका अच्छे से बेक नहीं हुआ है तो आप इसे 5 मिनट और अच्छे से बेक कर लें। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। अगर आप गर्म को डीमोल्ड करोगे तो वो टूट सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आज इस केक को हम मदर्स डे स्पेशल बना रहे हैं, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी आइसिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ व्हाइट कलर की व्हिप क्रीम ली है, इसे हम इसके ऊपर अच्छे से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। हमने इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे हमें बनाने में आसानी होगी और ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार हम फिर से इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे एकदम से अच्छे से फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से केक की आइसिंग कर सकते हैं। हमने एकदम से ईजी तरीके से और बहुत ही प्यारा सा बनाकर तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगी। हमने इसके ऊपर सबसे पहले माँ और बेटे का स्केच ड्रॉ किया है और फिर इसके नीचे हम मोटे साइज़ में माँ को लिखेंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने माँ को भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, अब इसे हम अंदर से अच्छे से फिल कर देंगे, जिससे ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। देखो, हमने इसकी डिज़ाइन एकदम से कंप्लीट कर ली है और नीचे साइड में हम इसके 3 डॉट्स लगा देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब इसके ऊपर हमने सिल्वर वर्क की शुगर बॉल्स लगाई है, जिससे थोड़ा सा और प्यारा लग रहा है। लो जी, हमारा मदर्स डे स्पेशल केक बनके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसे कट करके भी दिखा देते हैं कि कितना अच्छे से कट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, कितने अच्छे से इसमें जाली आई है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है। और मेरी तरफ से सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा।